नमस्कार मित्रों, मैं तेजस अंधारिया भावनगर गुजरात से। आज का प्रश्न ये है कि आफ्टर डीमोनेटाइजेशन ब्लैक मनी पर ऐसा कंट्रोल पाया जा सकता है कि जिससे डीमोनेटाइजेशन के बाद जो प्रॉपर्टी के ट्रांजैक्शंस होने वाले हैं सेल परचेज के, उसमें ब्लैक मनी का प्रपोर्शन घटाया जाए या फिर उसको नील किया जाए, ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है? तो मेरा पर्सनली ये मानना है कि ऐसा करना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि जो खरीदने वाला है, प्रॉपर्टी खरीदने वाला है, उसको जो स्टैम्प ड्यूटी चुकानी पड़ती है, तो वो ऐसा सोचेगा कि भाई स्टैम्प ड्यूटी करीबन 5% है, रजिस्ट्रेशन फी 1% है, तो 6% देना है। तो वो बचाने के लिए वो आदमी क्या कर सकता है? अगर उसके पास आफ्टर डीमोनेटाइजेशन अगर ब्लैक मनी नहीं भी है, तो क्या करेगा कि बैंक का जो बैलेंस है उससे वो पैसा कैश विड्रॉल करेगा और ऊपर से ये पैसा वो ब्लैक मनी के स्वरूप में ही सेलर को देगा, और इसकी वजह से उसको स्टैम्प ड्यूटी का फायदा होगा और सेलर भी उसे मना नहीं करेगा, क्योंकि सेलर को जो इनकम टैक्स भरना पड़ता है उसकी आमदनी पे, उसकी सेल प्राइस के ऊपर, उस पर उसको भी फायदा हो सकता है। तो आफ्टर डीमोनेटाइजेशन उसमें कुछ फायदा होने का दिख नहीं रहा है, कि वो ब्लैक मनी का प्रपोर्शन घटता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो उसके लिए एक सजेशन ये है सभी स्टेट गवर्नमेंट को और सेंट्रल गवर्नमेंट को, सजेशन है कि स्टेट गवर्नमेंट जो झंडरी वैल्यू डिसाइड करती है उसको करीबन डबल कर देना चाहिए, करीबन डबल, जितना हो सके उतना बढ़ा दो झंडरी वैल्यू को और जितना हो सके उतना घटा दो स्टैम्प ड्यूटी के रेट को। सपोज अगर पॉसिबल है तो ऐसा कर सकते हैं कि झंडरी वैल्यू को डबल ही कर दे पूरा और स्टैम्प ड्यूटी को पूरा आधा कर दे, जिससे क्या होगा कि जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू है वो उतना ही रहेगा जितना अभी भी रह रहा है, तो उसको कोई रेवेन्यू लॉस नहीं होगा। दूसरा, जो परचेजर है उसको भी कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंस नहीं होगा, क्योंकि उसका स्टैम्प ड्यूटी इतना ही जाएगा जितना पहले जा रहा था, क्योंकि झंडरी वैल्यू डबल हुई है लेकिन उसका स्टैम्प ड्यूटी का रेट कम भी हुआ है, आधा भी हुआ है, तो उसको उतना ही स्टैम्प ड्यूटी भरना पड़ेगा जितना वो पहले 50% वाइट के पोर्शन पर भर रहा था, उतना ही उसको भरना पड़ेगा। सिर्फ फर्क इतना हो जाएगा कि जो वाइट का प्रपोर्शन है वो बढ़ जाएगा, करीबन मार्केट वैल्यू तक आ ही जाएगा वो। तो इससे क्या होगा कि ब्लैक मनी का जो ट्रांजेक्शन है वो इसको बंद कर सकते हैं हम इस तरह से, और इनकम टैक्स वगैरह में पूरा वो आमदनी दिखेगा और पूरा इकोनॉमी जो है वो ब्लैक में से थोड़ा थोड़ा करके बाहर निकल सकता है इस तरह से। तो ये मेरा सजेशन है सभी स्टेट्स की गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को राष्ट्र के हित में। और ऐसे ही हमारा जो वीडियो है, अगर आप और देखना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके लिए ऊपर जो आइकॉन दिख रहा है आपको, उसके ऊपर आप कर्सर रखेंगे तो वहाँ पे सब्सक्राइब का एक रेड कलर का बटन दिखेगा, उस पर क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ऑलरेडी आपने अगर सब्सक्राइब किया हुआ है तो उस बटन पे सब्सक्राइब्ड लिखा होगा, तो आपको और कोई एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।